हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, आज एक रेमेडी वीडियो लेकर आई हूँ। तो फटी वीडियो से हम सब परेशान रहते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। आज 10 रुपए में आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगी और वो भी 3 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें मैंने ना एक कैंडल ले ली है। ये मीडियम साइज की कैंडल है, घर पर अवेलेबल होती है या फिर आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं, इजीली मार्केट में कैंडल मिल जाती है। तो अब मुझे क्या करना है ना, इस कैंडल को मुझे कट कर लेना है। कट करने के लिए देखिए, या तो आप इस तरह से अपने हाथ में कट कर ले, इसे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कट करना, या फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख के ना आप इसे कट कर ले। तो सारी कैंडल को ना हमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कट करने के बाद इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर ले और फिर गैस पे रख ले एक तड़का पैन। अगर तड़का पैन आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, तो आप क्या करें ना, गैस पे तवा रख दे और तवे के ऊपर कोई बॉल रख दे, कोई बर्तन रख दे या कोई डिब्बी रख दे और उसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल इस तरह से ऐड कर दे। इसी के साथ 2 चम्मच नारियल तेल इसमें जरूर ऐड करें। ये सब ऐड करने के बाद जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए ना, इसमें हम ऐड कर देंगे ये कैंडल जो हमने इस तरह से कट कर ली थी, और कैंडल को हम इसमें मेल्ट होने देंगे। और अब कैंडल को हमें ना यहाँ पे मेल्ट कर लेना है। तो वैसे ही ऑयल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब गरम तेल में ही कैंडल जो है वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही कैंडल कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, हम इसे गैस में से नीचे उतार लेंगे, क्योंकि गैस नीचे से गर्म होती है ना, तो गर्म स्टीम इसमें लगती रहती है। यहाँ मैंने इसे नीचे उतार लिया है और अब मैं क्या करूंगी ना, इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी और ठंडा करने के बाद इसे मैं इस तरह की एक डिब्बी में ट्रांसफर कर लूंगी। तो ऑयल हो गया है ठंडा, तो मैं इसे ना एक डिब्बी में ट्रांसफर कर ली हूँ। कोई भी खाली क्रीम की डिब्बी हो आपके पास, उसे अच्छे से वॉश कर ले, उसके बाद उसे इस तरह से इसमें ट्रांसफर कर दे। तो ये हो गई आपकी फुट क्रीम रेडी, जिससे आपकी फटी हुई एड़िया एकदम बढ़िया से ठीक हो जाएंगी। ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है फ्रेंड्स, मैंने ट्राई की है, मेरी फैमिली ने ट्राई की है, सबको इफेक्ट मिला है। बस इसे लगाने में आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपने पैरों को अच्छे से वॉश करके ना, देखिए अच्छे से वॉश कर ले रात में सोते टाइम, और इस तरह से ये क्रीम लें, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं उसी तरह से ये लें थोड़ी सी अपने हाथ पे, और इस तरह से ना फटी हुई एड़ियों पे इसे लगा लें। अब कुछ ही दिनों में देखेंगे, यानी कि 1 हफ्ते में आपको ना, अगर आप इसे रेगुलर लगाते हैं रोज, तो आपको अपने पैरों पे इफेक्ट जो है वो दिख जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। हम अक्सर ना मार्केट से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और हमें बिल्कुल भी उससे कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ये जो रेमेडी है इसे आप जरूर बनाएं और जरूर लगाएं फ्रेंड्स। 10 रुपए में आपके घर पर ही आप क्रैक्ड क्रीम बनाएं और फटी एड़ियों से निजात पाएं। तो यहाँ पे ना क्रीम लगाने के बाद सॉक्स पहन ले, कोशिश करें कि ओवरनाइट पहन सके तो पहन ले, अदरवाइज जब क्रीम लगाएं तब सॉक्स पहन ले फिर उतार दे। और यहाँ पे देखिए क्रीम मैंने इस तरह से रेडी कर ली है, इसे मैं बंद करके रोज रात को इस्तेमाल कर लूंगी। तो फ्रेंड्स फटाफट से इस रेमेडी को ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी।